वेलकम टू परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर जो महत्वपूर्ण है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी सन 2021। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी पीटी सन 2021 का है। इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या एज होगी, फॉर्म भरने की तारीख, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसमें मुख्य परीक्षा और पीटी का पैटर्न और सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इन सभी टॉप पॉइंट पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सो आप तक पहुँच सके। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है आयु देखेंगे हम लोग। आयु उसमें 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और इंटर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन कोई इशू नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब इसमें महत्वपूर्ण ये निशान लगाए दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने की तारीख। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की तारीख को ध्यान रखें, 25 मई से चालू है और 21 जून तक भरा जाएगा, 21 जून सन 2021 तक। तो दोस्तों, ये डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले पीटी का पेपर होगा, उसके बाद में मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो पहले नंबर में प्रारंभिक पात्रता परीक्षण, अगर आप परीक्षा में पास कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षाओं में जो दूसरे निकलेंगे उसमें हो पाएगा। तो पीटी का फुल फॉर्म है प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इस पीटी को पास करने के बाद में मुख्य परीक्षाएं, जो कि नई जो वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों नया शेड्यूल है गवर्नमेंट का। ओके, अब एक चीज़ और, एक पॉइंट, वेबसाइट इसकी क्या है? तो इसकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट जो है वो ये रही लिंक, ये हमने लगा दिया, आप इस पर भी जा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में क्या क्या आएगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छा चांस है जिसमें आप लोग फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट की आज सरकारी नौकरियां पंचवर्षीय योजना की तरीके की है, कि जब 5 साल में एक बार मौका मिलता है। तो दोस्तों, इस पर ज़रूर फॉर्म भरें। लेखपाल और सारी बहुत सारी ग्रुप सी की वैकेंसी सारी आ रही हैं। ओके, अब हम लोग इसका पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस। ओके, सिलेबस की तरफ हम लोग चलते हैं, तो देख लीजिए आप सिलेबस। इसका पहला है, इसका पहले पहला है ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी है तो प्रस्तावित पाठ्यक्रम, इसमें पाठ्यक्रम क्या आएगा? तो पहला भारतीय इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी आंदोलन, अन्य क्रांतियाँ और आज़ाद हिंद फौज, ये टॉपिक होंगे। ओके, अब भूगोल, ज्योग्राफी की बात किया जाए तो भारत के महत्वपूर्ण नदियाँ, भूजल संसाधन, खनन, खनिज संसाधन, ये सब इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, 1991 से सन 2014 तक सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि सुधार, श्रम सुधार, इन टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है जीएसटी भी, दोस्तों इसमें याद रखिएगा जीएसटी भी है इंक्लूड है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भारतीय संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत, तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये टॉपिक पंचायती राज, इनसे टॉपिक बनेंगे। नेक्स्ट है इस सभी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, इससे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अंकगणित, अंकगणित से भी 5 नंबर के एवरेज, स्क्वायर, क्यूब, घनमूल, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सामान्य हिंदी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि हो गई, विलोम हो गए, वाक्य के लिए एक शब्द हो गए, इनसे भी 5 नंबर के पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी को भी, अंग्रेजी और व्याकरण से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रीजनिंग, तर्क शक्ति से भी 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। दोस्तों ये पॉइंट आपको करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता, ये दो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर से 10 नंबर और 10 नंबर सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। दोस्तों ये 20 नंबर जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट है, इनको इस पर आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर लंबे समय से यूपी के भी और भारत के महत्वपूर्ण देखना पड़ेगा। भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, तो ये प्रश्न आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने अभी कुछ टॉपिकों पे वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डाल लूँगा, एक बार आप विजिट करके देख लेंगे। ओके दोस्तों, अभी और कुछ देखते हैं, थोड़े से टॉपिक और हैं। ग्राफ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और तालिका से भी 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जो कि मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो ये पैटर्न था कि क्या क्या पूछा जाएगा परीक्षाओं में, जो कि आप लोग देखिए, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी दोस्तों बात है कि आपको टाइम 2 घंटे दिया जा रहा है, इसमें जो है 2 घंटे का समय दिया जा रहा है, 2 घंटे का। 100 प्रश्न होंगे आपके सामने और 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न आएंगे, मैं लिख देता हूँ, 100 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन और टाइमिंग 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न हल करना होगा। तो दोस्तों ये इसका पैटर्न है, आप लोग देख लीजिए, और मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि टफ है या ज़रूरी है, कमेंट कर दीजिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको पूरी बात जानकारी हो सके। ओके, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।